आज के हमारे वीलॉग में हम लोग HPL PSL डे वन रावलपिंडी में मौजूद हैं और अशर्स टीम में मेरा नाम है। यहाँ पर हमारी ड्यूटी है, ये आप ग्राउंड देख सकते हैं। तकरीबन इस वक्त टाइम हो रहा है 2 या 2 से ऊपर ही तकरीबन टाइम हो रहा है और व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पीछे इस तरफ जो है ये कराची किंग्स का भी झंडा भी नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर इसी के नीचे कराची किंग्स का डग आउट है और यहाँ पर पेशावर जलमी का डग आउट है। दोपहर के वक्त के कुछ ग्राउंड के मनाजिर आप लोग वीडियो में देख सकते हैं और आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अगले जितने भी दिन PSL सीज़न 8 के मैचेस होंगे हम आपको वीलॉग्स और रील्स के थ्रू बताते रहेंगे। बाकी हमारा नाम PSL के लिए अशर्स टीम में है और ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी एक अमाउंट में टीम है ये, और माशाल्लाह से इस इवेंट के लिए हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। ये आप लोग कैमरा के मनाजिर देख सकते हैं। ये PCB मेन बिल्डिंग में टॉप ऑफ द फ्लोर मतलब थर्ड फ्लोर पर ये मौजूद था। डग आउट कराची किंग्स का ये आपको झंडा भी नज़र आया होगा और ये टीम्स जब तकरीबन शाम के वक्त आ चुकी थी और ये वीडियो मैच स्टार्ट होने से कबल की है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये मोहम्मद आमिर ने साहिम मयूब को आउट किया था और मोहम्मद आमिर की गेंद पर फील्डर ने कैच पकड़ा था और साहिम मयूब चलते बने। इसी के साथ मैच का जितने भी मामलात थे वो तो आखिर में पेशावर जलमी ने अच्छे ही मार्जिन के साथ मैच जीत लिया था। बाकी वीडियो में इस वक्त आप देख सकते हैं ये वहाब रियाज ने बॉल की थी और कैच तकरीबन होते होते रह गया था। ये क्लोजिंग सेरेमनी थी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हम आगे भी वीलॉग्स और रील्स शॉर्ट्स दिखाते रहेंगे। और लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा।